सो रिसेंट 6 मंथ्स में बहुत सारी मोस्ट अवेटेड मूवीज रिलीज हुई, जिनमें से कुछ तो हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी, जबकि कुछ के बारे में यही कहा जा सकता है कि कई भैंस पानी में। खैर, मूवीज का झमेला ऐसा है कि एक के बाद दूसरी ने नंबर लगाया हुआ होता है, एंड दैट्स द रीजन हमारी लिस्ट का कभी भी एंड अप नहीं होता। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। एंड यप, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ बहुत सारी बकचोदिया, ओहो आई मीन टॉप 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म्स इन 2024 विद फाइनल रिलीज डेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का काउंट डाउन। बट काउंट डाउन से पहले आपको ये बता दूं कि इन मूवीज़ की रिलीज डेट्स कभी भी फाइनल नहीं होती, क्योंकि सारी मूवी कंपनीज एक्चुअली में खुजली का शिकार हो चुकी हैं, और ज़रा सी खुजली होने पर वो डेट्स को चेंज कर देते हैं और फिर गालियाँ सुनना पड़ती हैं हम जैसे आजिज़ और मस्कीन मासूम से यूट्यूबर्स को। सो रिलीज डेट्स के बारे में ज़्यादा सीरियस मत होना, हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, हो सकता है कि दे शुड रिमेन सेम। एंड नाउ बिगिन द शो, स्टार्टिंग अवर लिस्ट विद गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। सो रिसेंट गॉडज़िला एंड कॉन्ग की मूवी का बहुत ही ज़्यादा वेट किया गया, और जितना ज़्यादा इंतजार किया गया वेल उतनी ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी हमें देखने को मिली। गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग के $468 मिलियन के बॉक्स ऑफिस के बाद यूनिवर्सल ने गॉडज़िला वर्सेस की जगह गॉडज़िला एक्स कॉन्ग को बिग स्क्रीन पर रखने का फैसला किया है। मतलब क्या? अबे मतलब बता कि गॉडज़िला वर्सेस की जगह गॉडज़िला एक्स क्यों रखा? यार गॉडज़िला एक्स कॉन्ग का मतलब है कि अब ये दोनों दोस्त हैं, और ये दोनों बीस्ट एक दूसरे के साथ मिलकर किसी ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं जो कि हमारी इस घटिया सी दुनिया को ख़त्म करना चाहता है अपने किसी घटिया प्लान से। यूनिवर्सल अपनी इस इंस्टॉलमेंट को कह रहा है कि 15 मार्च 2024 को रिलीज करेगा। सो काउंटिंग एट नंबर 4 वी हैव लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वार ऑफ रोहिरे। यह बात है उस साल की कि जिस साल को मैं पैदा हुआ था, मतलब 2001 की, यार 2001, 2 और 3 में रिलीज होने वाली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तीन मूवीज कमाल की थी, एंड इसी वजह से हर WWE फैन कभी ना कभी ये सोचता है कि एक बार दिला दे। नहीं नहीं कि यार एक मूवी और होती लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की, क्या यार कौन है रिकॉर्डिंग पर। सो खैर WWE ने 2024 में फैंस की इस ख्वाहिश को पूरा किया है, एंड 4th लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवी सीक्वल को सेट कर दिया है। ये मूवी 4th इंस्टॉलमेंट होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी की, जबकि 1st इंस्टॉलमेंट होगी इनकी एनिमेशन मूवी की। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वार ऑफ रोहिरिम को 12 अप्रैल 2024 को WWE डन कर देगा। नंबर 3, मैडम वेब। 2024 में मार्वल की वन ऑफ दी बेस्ट प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो डेफिनेटली हर यूट्यूबर मैडम वेब को टॉप पर रखेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैडम वेब की स्टोरी लाइन पूरी तरह से स्पाइडरमैन से कनेक्ट होती है, एंड सेकेंडली मैडम वेब की पावर्स देखो यार, टेलीपैथी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, फ्यूचर प्रोडक्शन। हाँ आपने सही सुना, मैडम वेब एक ऐसी म्यूटेंट है जिसके पास साइकिक पावर्स हैं जिनकी मदद से वो फ्यूचर तक को प्रेडिक्ट कर सकती है। मार्वल मैडम वेब को 16 फरवरी 2024 को फैंस के दिलों में शांति का प्रयोग करने के लिए रिलीज कर देगा। नंबर 2 वी हैव डेडपूल 3। अब इसके बारे में क्या कहूं, अबे कंटिन्यू कर और क्या। रिसेंट ईयर से ही डेडपूल 3 को मार्वल और 20th सेंचुरी फॉक्स डिले कर रहे हैं, वो भी विदाउट एनी रीजन। बट कुछ ही टाइम पहले हमें हिंट मिल गया था कि नेक्स्ट डेडपूल मूवी में वुल्वरिन हमें देखने को मिलेगा, जो कि डेडपूल 3 की पूरी तरह से लेंगे भैया। अब लेट्स होप सो कि मार्वल डेडपूल 3 को कन्फर्म की डेट पर ही रिलीज करे, जो कि है 3 मई 2024। सो फाइनली एट नंबर 1, कैप्टन अमेरिका ब्रीव न्यू वर्ल्ड। तो सच में अगर बताऊं तो मार्वल ने इस मूवी की अभी तक कोई भी स्टोरी लाइन ऑफिशियली रिवील नहीं की है, अनऑफिशियल तो बहुत है, पर आपको इतना ज़रूर बता सकता हूं कि WWE सुपरस्टार सेथ रॉलंस भी इस मूवी के थ्रू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन जाएंगे। कास्ट के मुताबिक सैम विल्सन, सेथ रॉलंस, हैरिसन फोर्ड और सैमुअल स्टंट जैसे स्टार कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को 4 चांद लगा देंगे। अबे 2 भी लगा दें तो बहुत है। खैर मार्वल CABNW यानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को 26 जुलाई 2024 को फाइनली रिलीज करेगा। सो गाइस आज की इस वीडियो को होता है यहीं पर ख़त्म। आई होप कि हमारी आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे आपका जस्ट एक क्लिक लगता है पर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो, तोड़ दो, एंड किसी भी टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए नीचे कमेंट को ज़रूर विजिट करना। सो मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। फी अमान अल्लाह।